allowed or something. It's not allowed. Okay, that's okay. So, एक थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में बताओ ना बिग बॉस की वापस से. जर्नी बहुत अच्छी थी, बस दुख इस बात की है कि बहुत छोटी थी और पर मैंने हर पल हर मोमेंट को वहाँ पे इन्जॉय किया. बहुत खास है, सारे मोमेंट्स मेरे दिल के बहुत खास हैं. वापस से वर्ल्ड का इंट्री तो नहीं होगी ना आपकी? पता नहीं, ऑनेस्टली आई हैव नो क्लू. पर अगर मेकर्स या चैनल मुझे बुलाए वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी. आपका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट था? मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट अब्दू, मेरा सबसे प्यारा. उसके बाद अगर दोस्ती की बात करें तो मैं निमरित और प्रियंका से काफ़ी क्लोज हूँ. वेट मैम, मैम आपके बिग बॉस के सफर के बारे में कुछ बताइए. बहुत ही खूबसूरत, भले ही बहुत छोटी सी जर्नी थी पर ऑनेस्टली घर में बिताया हुआ हर एक मोमेंट मेरे लिए बहुत ख़ास है. मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला बिग बॉस से और बिग बॉस के घर से. छोटी छोटी चीज़ें जो हम हर रोज़ की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ से सीखने के लिए मिला. और हर एक मोमेंट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आई रियली एंजॉयड माई जर्नी, आई लव्ड इट. थैंक यू बिग बॉस. कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है मैम जो आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम है अब्दू. क्या आप वापस जाओगे मैम बिग बॉस के घर? वो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है, वो मेकर्स पे और चैनल के ऊपर डिपेंड करता है. अगर वो सोचते हैं कि मैं काबिलियत रखती हूँ वापस से घर में जाने की तो ही मैं जा पाऊँगी. मैम आपके नज़र में कौन बिग बॉस फाइनल तक जाएगा? कोई एक कंटेस्टेंट का नाम बता सकते हैं जो आगे एक कंटेस्टेंट का? एक का तो अभी लाइक इट्स वेरी इनिशियल. फिर भी अगर मैं 3-4 लोगों के नाम ले सकती हूँ फिर उसमें होगा शिव, अब्दू, प्रियंका, निमृत. कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो बहुत अच्छा खेल रहा हो आपके उसमें नज़र में? मेरे नज़र में जो बहुत अच्छा खेल रहा हो, सी ऑब्वियसली अब्दू इज़ एन एंटरटेनमेंट. उनको देखना सबके लिए, घर वालों के लिए भी और घर के बाहर जो ऑडियंस देख रहे हैं सबके लिए इट्स वेरी प्लेजरेबल टू वॉच हिम सिंग एंड वॉक अराउंड इन द होल हाउस. बहुत अच्छा जो खेल रही है इस वक्त मुझे लगता है प्रियंका और शिव. Thank you, ma'am.